तो तुम लोगों को दिया हुआ है कि 5 नंबर्स जो हैं वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, उसमें फर्स्ट टर्म 5 दी हुई है और लास्ट टर्म 80 दी हुई है, और सारे नंबर्स अपने को निकालने हैं। तो अपने पास ए बी सी डी ई ये कैसा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, ठीक है। तो इस चीज़ का पहले तो मतलब समझ लो। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होने का मतलब जो रेशियोज़ हैं वो कैसा समान है, बी बाई सी इक्वल्स टू सी बाई डी इक्वल्स टू डी बाई ई। तो ये चीज़ तुम लोगों को ऑलरेडी पता है, एक एक्सरसाइज भी तुम लोग सॉल्व कर चुके हो वैसे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन पर। तो ये तुमको पता रहना चाहिए कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में अगर 3 नंबर, जैसे ये तो बहुत ही कॉमन था कि 3 नंबर्स अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब क्या रहता है कि ए बाई बी इक्वल्स टू बी बाई सी, ठीक है क्या। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए जनरलाइज करते हुए ये वाली चीज़ तुम लिख सकते थे। उसके बाद तुमको दिया हुआ है कि पहली टर्म जो है ए इक्वल्स टू वो 5 है और जो आखिरी टर्म है ई इक्वल्स टू वो 80 है, ठीक है। तो देख लेते हैं इक्वेशंस कैसी कैसी बन रही है करके। 5 बाय बी इक्वल्स टू बी बाय सी इक्वल्स टू सी बाय डी इक्वल्स टू डी बाय 80, ठीक है। अब ये मेरे पास इक्वेशंस है, ये वाली इक्वेशंस है, ठीक है। तो देखो ज़रा क्या क्या बनता है करके, सिंप्लीफाई करते हैं। बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 सी, सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी और डी स्क्वायर इक्वल्स टू 80 सी, ये बनेगा। बी स्क्वायर कैसे आया, जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूँगा तब बी स्क्वायर जनरेट होगा, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 सी जनरेट होगा। फिर जब इन दोनों को सॉल्व करूँगा, मैं इन दोनों को अगर सॉल्व करूँगा, इन दोनों को अगर सॉल्व करूँगा तो मेरे पास बी डी जनरेट होगा और सी स्क्वायर जनरेट होगा, ठीक है। और इन दोनों को जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास 80 सी जनरेट होगा और डी स्क्वायर जनरेट होगा। ये इक्वेशंस मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं ज़रा। बी स्क्वायर मेरे पास है ऑलरेडी, ठीक है। तो पहली इक्वेशन से मैं सी ऐसा लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर बाय 5, ठीक है। अब इस सी की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुटअप कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सी स्क्वायर यानी कि बी की पावर 5, ये इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी, ठीक है। अब इसको ज़रा सॉल्व करें, बी की पावर 4 डिवाइडेड बाय 25 इक्वल्स टू बी डी, ये हो जाएगा। तो इसमें मुझे ये चीज़ मिल जाती है, बी क्यूब इतना आ गया, डी की वैल्यू आ गई मेरे पास बी क्यूब बाय 25, ठीक है। अब इस डी की वैल्यू को मैं इसमें सब्सट्यूट कर रहा हूँ, डी स्क्वायर लिखा हुआ है मेरे पास, मतलब बी क्यूब बाय 25 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 80 सी। अब देखो ज़रा इससे कहता आ जाएगा, बी की पावर 6 डिवाइडेड बाय 25 का स्क्वायर इज 625 इक्वल्स टू 80। सी कितना आ गया मेरे पास, सी है मेरे पास बी स्क्वायर बाय 5, ठीक है क्या। ये है मेरे पास सी की वैल्यू इतनी थी मेरे पास, ठीक है क्या। तो बी स्क्वायर बाय 5 मैं यहाँ पर पुटअप कर देता हूँ, ठीक है। इससे क्या आएगा, देखो 16 और ये हो गया बी स्क्वायर और ये कैंसिल आउट होके बी की पावर 4, तो इससे चीज़ आ जाएगी मेरे पास बी की पावर 4 इक्वल्स टू 16 टाइम्स 625, ठीक है। इससे मुझे बी की वैल्यू मिल जाएगी 2 टाइम्स 5, दैट विल बी 10, ठीक है क्या। ए की वैल्यू मेरे पास है 5, बी की वैल्यू मेरे पास आ गई है 10, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, कितनी है सी की वैल्यू मेरे पास, यहाँ से देखो ये वाली चीज़ बी स्क्वायर बाय 5, ठीक है क्या। तो बी स्क्वायर बाय 5 की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 10 स्क्वायर यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 5, ये हो जाएगा मेरे पास 20। तो सी की वैल्यू हो गई मेरे पास 20, डी की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास बी क्यूब बाय 25, ठीक है क्या, बी क्यूब बाय 25। तो दैट विल बी बी क्यूब यानी कि 10 क्यूब यानी कि 1000 डिवाइडेड बाय 25, तो ये हो गया मेरे पास 40, ठीक है। डी की वैल्यू हो जाती है मेरे पास 40 और ई की वैल्यू मुझे दी हुई है 80, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। द नंबर्स विच आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन आर 5, 10, 20, 40 एंड 80। इसमें तुम देख भी सकते हो कि 5 बाय 10 इक्वल्स टू 10 बाय 20 आ रहा है, इक्वल्स टू 20 बाय 40 आ रहा है, इक्वल्स टू 40 बाय 80 आ रहा है। काफ़ी आसान सा सवाल था, ठीक है। अच्छा हो गया।